वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है, अगर हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो मास जो होता है, अगर हम इसको वे करेंगे, वो लगभग एक एडल्ट में 2 kg होता है। और लगभग एक ह्यूमन बॉडी का लगभग 3% कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है ना। 3% हमारी बॉडी वेट का ये हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं, है ना। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टर सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। इसी तरीके से जो नर्वस सिस्टम जो होता है, इन 11 सिस्टम्स में नर्वस सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम होता है, ये स्मॉलेस्ट नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट होने के बावजूद भी क्या होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। अगर ये स्मॉलेस्ट है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। जो बंदा, जो पर्सन जो होता है स्पेशलाइज्ड जो होता है नर्वस सिस्टम की बीमारी को, या उसके डायग्नोसिस को, या उसको ट्रीट करता है हमारे नर्वस सिस्टम की बीमारी को, तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है ना। अगर हम ह्यूमन सिस्टम देखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखेंगे, तो इसमें क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन दोनों क्या करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट होके जो काम होता है वो दोनों इकट्ठे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये ना, इसमें ब्रेन होता है और नीचे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, शॉर्ट में SC लिखूंगा। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो होता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होते हैं, इससे नर्व्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट, चाहे वो इंटरनल जो होता है इंटरनल चेंजेस को मॉनिटर करते हैं, या एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो क्या होता है, इंटरनल रस चेंजेस, है ना। तो दूसरे जो होते हैं एक्सटर्नल, बाहर अगर हम जाएंगे, धूप है, या हमें चलना है, या हमें स्पीक करना है, तो वो जो होता है वो कौन करता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये वाला होता है जो ये स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन से जो नर्वस निकलेंगे वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएंगे, वहाँ से फिर वो अपना मैसेज वापस देंगे इस ब्रेन को, फिर ब्रेन को उस मैसेज को प्रोसेस करेगा, फिर हम वो एक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, इकट्ठे कोऑर्डिनेट होके जो भी काम करना होता है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसको शॉर्ट में नहीं लिखा है, CNS। इसमें क्या कौन कौन सा पार्ट आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल का सेंटर रहता है। मतलब यहीं से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और उसका कंट्रोल, फिर ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है। मतलब अगर हमें किसी इंसान को हमें देखा, हमने उसको आंखों से देखा है ना, यहाँ पे हमारे नर्वस होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जब हम देखते हैं तो कौन सा हमारा सिस्टम नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्व होता है, PNS, ठीक है ना। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब हम उसको मतलब देखता है, उसको सेंस करता है, ठीक है ना, फिर उसको पहचानने में हमारा काम, हमारा जो काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है। फिर हम देखते हैं ये जो बंदा है, इसको हमने देखा है कहीं पे, वो उस चीज़ को कौन प्रोसेस करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आपको इस तरीके से समझ में आएगा, TV है, TV के ऊपर मतलब छत पे हम जो हम लगाते हैं वो एंटीना होता है ना। TV मान लो आप, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और ये जो हमारा TV जो होता है, ये इस एंटीना के बगैर नहीं चलेगा। एंटीना आप मान लीजिए, एंटीना क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो
तो यही मैसेज देता है, तब टीवी जो है ना प्रोसेस करके हमारे सामने जो भी पिक्चर होता है वो लाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये कनेक्टेड होता है, मतलब ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन होता है हमारे सिर में, और ये कनेक्टेड रहता है, ये स्पाइनल कॉर्ड इस ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। एक होल होता है यहाँ पे, मैंने नहीं दिखाया, पीछे हमारे सिर के एक जो ऑस्पिटल बोन जो होती है पीछे, ऑस्पिटल बोन बोलते हैं इसको, इसके वहाँ पे यहाँ पे एक होल होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं इसको? फोरामेन मैग्नम। इसी होल से हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो जहाँ पे ये होल बाहर निकलता है या इस दिमाग से अटैच रहता है, उस होल को क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम, ठीक है ना। तो ये जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? नर्व्स, ठीक है ना, दूसरे जो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो 12 पीयर्स जो होते हैं नर्व्स, वो कहाँ से निकलते हैं? वो हमारे ब्रेन से निकलते हैं, जिनको बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल का मतलब क्या होता है? ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो जो 12 पीयर्स जो ब्रेन से निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रैनियल नर्व्स। 12 पीयर्स, ठीक है ना, 24 नर्व्स। तो यहाँ पे हमें उनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, कौन कौन से नाम यहाँ काफ़ी है याद रखने के लिए, ठीक है ना। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्वस निकलते हैं उनको बोलते हैं सीधे स्पाइनल नर्वस, ठीक है ना। ये कितने रहते हैं? 31 पीयर्स रहते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स। अब हम सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? मेरा हाथ है यहाँ पे, मुझे हाथ पे किसी ने टच किया या मुझे कोई गर्म चीज़ लगी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स कौन से किस पार्ट के नर्वस सिस्टम में आते हैं? वो होते हैं इस पीएनएस में, ठीक है ना। हमने उसको सेंस किया, पीएनएस ने वहाँ पे सेंस किया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको मतलब क्या करते हैं, उसको सेंस करते हैं। वो सेंसरी रिसेप्टर किस में आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये क्या करते हैं असल में? ये उन चीज मतलब उन चीज़ों को सेंस करके फिर ये क्या भेज देते हैं? मैसेज भेज देते हैं हमारे नर्वस के थ्रू, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अगर वो गर्म चीज़ हमारे हाथ पे होता है तब हम क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। तो वो प्रोसेस कौन करता है हमारा, हमारे नर्वस सिस्टम में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तब हम हाथ हटाते हैं या उस चीज़ को हटा देते हैं। तो दोनों होके इस चीज़ को वो फिर वो परफॉर्म कर देते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे कुछ रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने टच का बोला, हाथ पे किसी ने टच किया, तो वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम देखते हैं तो वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे आँखों में। इसी तरीके से ऑलफैक्ट्री होते हैं हमारे नोज़ में, जो स्मेल को क्या करते हैं मतलब सेंस करते हैं। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं, इसमें दो तरह के नर्वस होते हैं, एक होता है एफरेंट नर्व फाइबरस और दूसरा होता है इफरेंट नर्व फाइबरस। तो ये जो एफरेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या जो इम्पल्स मतलब होता है मैसेज, ये कहाँ से मैसेज लाएंगे? टिश्यू से। मतलब यहाँ ये टिश्यू है, यहाँ पे यहाँ मैंने मान लिया एक टिश्यू है, ठीक है ना। इस टिश्यू से मैसेज आएगी, किसके थ्रू जाएगी? जिसके थ्रू जाएगी उस नर्व को क्या हम बोलेंगे? एफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर टिश्यू से मैसेज ले भेज देगा कहाँ पे? सेंट्रल नर्व सिस्टम में। और ये एफरेंट किस में आएगा? खुद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये याद रखना, इस चार्ट को अगर आप याद रखोगे तो आप लोगों को ये इमेज आएगी किस किस में क्या आता है। तो ये इस तरीके से कहाँ पे मैसेज आ गई? यहाँ पे। अब हमें हटाना है हाथ, तो वो क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर से मैसेज भेज देगा इसको, इस मतलब जो भी मतलब हमारा ऑर्गन होता है। तो वो क्या, जब यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई इम्पल्स जाएगा कहाँ पे, कोई भी हमारा बॉडी ऑर्गन या मसल हो, तो वो किस 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 नर्व के थ्रू जाएगा? वो जाएगा इफरेंट नर्व फाइबर। तो शॉर्ट में मैंने लिखा है ENF, यहाँ पे मैंने एफरेंट को लिखा है ANF, ठीक है ना। तो ये जो पीएनएस जो होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये और डिवाइड और इसका डिवीजन होता है।
एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यहाँ से क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है अपना नर्व इम्पल्स, यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाता है किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटन से मिले जुले होते हैं, मतलब बोनी बोन्स जो होते हैं हमारे स्केलेटन जो होते हैं, वहाँ पे जो मसल्स अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है ना, स्केलेटन मसल्स जो स्केलेटन के साथ अटैच हो जाएगा। जब उस स्केलेटन के मतलब को मैसेज पहुंचेगी सीएनएस से, ठीक है ना, ये स्केलेटल मसल है, यहाँ पे स्केलेटल मसल लिखूंगा मैं, यहाँ पे सीएनएस से इम्पल्स जाएगा इस मसल को, तो हम वो जो मतलब किस नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगी, वो जाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसके थ्रू जाएगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में एएनएस, ठीक है ना। इस एएनएस जो होते हैं इसके तीन और डिविजन्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, जब यहाँ मतलब ये जो होता है, जब किसी मसेज जाएगी किसमें, स्मूथ मसल, जब ये मैसेज भेज देगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या कार्डियक मसल या ग्लैंड्स, ठीक है ना, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स दोनों ये काम करते हैं, ठीक है ना, दोनों पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है ना। ये स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, तो स्मूथ मसल्स तो आपको पता है, स्मूथ बिल्कुल स्मूथ मसल्स। दूसरा क्या होता है, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स, दो तरह के हमारे पास मसल्स होते हैं, एक होते हैं वॉलेंट्री, ठीक है ना। वॉलेंट्री मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारे काम पे, हमारे विल पे, मतलब हमारे विल पे वो फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, मुझे अगर मैं चाहूँगा तो मैं वॉक भी नहीं कर सकता हूँ, या अभी मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, तो मैंने इसको राइट किया अपन, मैं अगर नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ, या मैं अगर मैं बोल सकता हूँ तो अगर मुझे बोलना नहीं है तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, मतलब ये एक्शन जो होते हैं अपने विल पे होते हैं, जो एक्शन या जो मसल मतलब हम अपनी विल पे कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी, क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। दूसरी मसल्स, ये स्मूथ मसल्स क्या है यहाँ पे, ये वॉलंटरी मसल है। अब कार्डियक और ग्लैंड्स जो होते हैं, जैसे कार्डियक मसल है मतलब कार्डियक है, हार्ट है, हार्ट जो होता है, हार्ट मसल्स जो होते हैं ना, हमारे कहने से या हमारे चाहने से वो रिलैक्स या कंट्रैक्ट नहीं करेंगे उनका, अगर हम बोलेंगे नहीं 2 मिनट के बाद हार्ट कंट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो जिनके मतलब जिस मसल पे जिसके एक्शन, जिस मसल के एक्शन पे हमारा कंट्रोल ना हो, या जिस पे जो हम अपनी मर्जी से नहीं करें कंट्रोल, नहीं, जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते उन मसल्स की मूवमेंट, उनको क्या हम बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो यहाँ पे जो होता है, एक स्मूथ मसल्स आ गया, वॉलेंट्री मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स जो होते हैं ये किस में आते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स हमारी मर्जी से हार्मोन्स बिल्कुल सिक्रेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से ही, जिनको मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के हिसाब से वो सिक्रेट करते हैं। तीसरा सिस्टम, तीसरा डिवीजन जो होता है इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो होते हैं एंटरिक नर्वस सिस्टम, एनएस का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। ये स्मूथ मसल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड करता है, दूसरा क्या, ग्लैंड्स ऑफ जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो ये कहाँ पे काम करता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वहाँ पे हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, उस पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू इस एंट्रिक नर्वस सिस्टम के पास। तो वहाँ पे सपोज हमें यूरिन करना है, यूरिन हम बिल्कुल रोड पे नहीं करते हैं, ठीक है ना, जब हम बाथरूम पे जाते हैं तभी हम यूरिनेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं हमारे यूरेटर्स जो होते हैं, या हमारा ब्लैडर जो होते हैं, वहाँ पे स्पिंक्टर्स होते हैं, वो स्पिंक्टर्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। हम हर जगह पे, या हर जगह पे हम क्या करते हैं, टॉयलेट या बाथरूम नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम का,
तो वो जो स्फिंक्टर जो होते हैं वो किस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आता है? एंट्रिक। जैसे हम बाथरूम में जाते हैं तो हमारा मैसेज आता है इस नर्वस सिस्टम के थ्रू, अब हमें बाथरूम जाना है। तो ये स्फिंक्टर जो होते हैं ये वहाँ पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जो होते हैं एंटरिंग नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये वहाँ पे काम करता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।